कनाडा को खरी खरी। भारत और कनाडा के बीच बिगड़ते रिश्तों के बीच भारतीय विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा है कि कनाडा आतंकवादियों गतिविधियों के लिए सुरक्षित पनागाह बन गया है, उसे अपनी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा के बारे में सोचने की जरूरत है। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर हत्याकांड को लेकर कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की ओर से भारत पर लगाए गए संगीन आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव चरम पर है। देखिए एक खास रिपोर्ट। गहराया भारत कनाडा तनाव। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद शुरू हुआ विवाद गहराता ही जा रहा। वहीं खालिस्तान समर्थक संगठन सिख फॉर जस्टिस की धमकी के बाद भारतीय विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले भारतीयों और वहां पढ़ रहे भारतीय छात्रों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है। बता दें कि भारत ने कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाएं सस्पेंड कर दी। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच तनाव बढ़ रहा है। इसी को देखते हुए कनाडा में मौजूद भारत के वीजा एप्लीकेशन सेंटर ने यह घोषणा की है। आपको बता दें कि इससे पहले कनाडा ने मंगलवार को अपने नागरिकों को भारत के कुछ खास हिस्सों में नचवाने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। बुधवार को भारत ने भी इसी तरह की एडवाइजरी जारी कर दी। इसके बाद कनाडा ने भारत की एडवाइजरी को खारिज कर दिया। वहीं कनाडा के पब्लिक सेफ्टी मिनिस्टर डोमिनिक लेबनिक ने ओटावा में मीडिया से बातचीत में कहा है कि उनका देश पूरी तरह से सुरक्षित है। भारत ने एडवाइजरी में सुरक्षित रहने को कहा। बता दें कि भारत के विदेश मंत्रालय ने कनाडा में रहने वाले अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की थी, जिसमें कहा गया था कि कनाडा में जारी भारत विरोधी गतिविधियों के मद्देनजर वहां रहने वाले यहां के यात्री जाने वाले नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वो बहुत सतर्कता बरतें। फिलहाल देखा गया है कि कनाडा में मौजूद इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन कम्युनिटी के एक खास तबके को धमकियां दी जा रही। ये वो लोग हैं जो भारत विरोधी एजेंडे का विरोध करते हैं। एडवाइजरी के मुताबिक कनाडा में बिगड़ते हुए सुरक्षा हालात के मद्देनजर वहां मौजूद इंडियन स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा सतर्क रहने की सलाह दी गई है। इंडियन कम्युनिटी और रेसिडेंस हाई कमीशन और कम्युनिटीज की साइट वेबसाइट पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इससे पहले भारत में आतंकवादी घोषित गुरुपंथ पन्नू ने एक वीडियो जारी कर वहां रहने वाले भारतीयों को धमकी दी। उसने वीडियो में वहां रहने वाले हिंदुओं से कनाडा छोड़ने को कहा। वीडियो में पन्नू को यह करते सुना जा सकता है कि इंडू हिंदू कनाडा छोड़ो भारत जाओ। उसने कहा कि जो लोग न केवल भारत का समर्थन करते हैं बल्कि खालिस्तान समर्थित सिखों के भाषण और अभिव्यक्ति के दमन का भी समर्थन कर रहे हैं, उन्हें तुरंत कनाडा छोड़ देना चाहिए। आतंकी पन्नू की धमकी और भारतीय विदेश मंत्रालय की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय में आई जब कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो के आरोपों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव गहरा गया है। इस बीच कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि कनाडाई सुरक्षा एजेंसियों की बेपात यह मानने के कारण है कि भारत सरकार के एजेंटों ने ही निज्जर की हत्या की है। कनाडाई एजेंसियां निज्जर की हत्या में भारत की साजिश की संभावनाओं की जांच कर रही हैं। ट्रूडो ने जोर दिया कि कनाडा की धरती में कनाडाई नागरिक की हत्या में किसी भी प्रकार की संलिप्तता अस्वीकार्य है। आरोपों का पर भारत के विदेश मंत्रालय ने करारा जवाब दिया है। मंत्रालय ने कनाडा के आरोपों को बेतुका और प्रेरित करार दिया है। भारत ने कहा है कि इस तरह के आरोप सिर्फ उन खालिस्तानी आतंकी और कट्टरपंथियों से ध्यान हटाने के लिए जो निलंबित समय से कनाडा में शरण दी जा रही और जो भारत की क्षेत्रीय एकता और अखंडता के लिए लगातार खतरा बने हुए हैं। आपको बता दें कि हरदीप सिंह निज्जर की 18 जून 2023 को कनाडा में गोलियां मारकर हत्या कर दी थी। इसे कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया से श्री स्थित गुरु नानक सिख गुरुद्वारे के पास दो अज्ञात बंदूकधारियों ने गोली मार दी। निज्जर इस गुरुद्वारे का संचालन करने वाली कमेटी का प्रधान भी था। हरदीप सिंह निज्जर ने 2013-14 में पाकिस्तान की भी यात्रा की थी। वे कनाडा के पनाली बैठे एक भारतीय गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुखू दुनकू को गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुखा एवं कैटेगरी का गैंगस्टर था। उसका नाम भारत के मोस्ट वांटेड अपराधियों की लिस्ट में था, जिस राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने हाल ही में जारी किया है कि हैरानी की बात यह है कि हमलावरों ने उसकी जान लेने के लिए उसे सिर में एक दो नहीं बल्कि 9 गोली मारी। गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुखा दुनके खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्शडाला का राइट हैंड था। वो कनाडा में रहकर भारत में अपने गुर्गो के जरिए वारदातों को अंजाम देता था। कत्ल के वक्त वो कनाडा के विनी पैग शहर के हेजल्टन ड्राइव रोड पर बने कॉर्नर हाउस के फ्लैट नंबर 203 में अपने घर में मौजूद था। जानकारी के मुताबिक कनाडा के समय सुबह 9:30 पर हमलावर उसके घर में दाखिल हुए और उसके सिर में 9 गोली मार दी, जिससे उसके सिर के परखच्चे उड़ गए। पूरे कमरे में खूनी खून बिखर गया। वारदात को अंजाम देकर हमलावर वहां से फरार हो गए। हमलावरों ने सुखा को मारने से पहले तूने गोल्डी के भाई गुरराज बड़ाट की हत्या करवाई थी, तेरा पूरा हाथ था उसमें। इसके बाद उसके सिर में 9 गोली मार दी। सुखा की माँ और बहन भी कनाडा में रहते हैं जबकि उसके ताया पंजाब के मोगा में रहते हैं। सुखा ऐसे भागा था कनाडा। सुखदूल सिंह उर्फ सुखा दुनके ने कनाडा में ली थी पनाह। 2017 में जारी दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट और पुलिस क्लियरेंस प्रमाण पत्र प्राप्त किया। उसके खिलाफ 7 आपराधिक मामले दर्ज थे।
पुलिस वालों से मिली हुई भगत कर उसने कनाडा का वीजा हासिल कर लिया था। टुनके के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। पंजाब पुलिस ने दो कर्मियों पर उसकी मदद करने का भी आरोप लगाया था। बाद में उन्हें मोगा पुलिस ने गिरफ्तार किया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली सुखा के मर्डर की जिम्मेदारी। भारत से फरार गैंगस्टर सुखदूर सिंह उर्फ सुखा दुनके की हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली। लॉरेंस बिश्नोई के एक फेसबुक प्रोफाइल से इस बारे में एक पोस्ट की गई है जिसमें इस हत्या की जिम्मेदारी ली गई। इसके साथ ही पोस्ट में गैंगस्टरों को भी धमकी दी गई, जो वहां मर्जी भाग ले उन्हें पापों की सजा जरूर मिलेगी। उस फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि हां जी सत श्री कॉल राम राम, ये सुखा दुनके की बम्बिया ग्रुप का जो इंचार्ज बना फिरता था उसका मर्डर हुआ। कनाडा के विनिपेग सिटी में उसकी जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप लेता है। इस ड्रग एडिक्टेड नशेड़ी और सिर्फ अपने नशे को पूरा करने के लिए पैसों के लिए उसने बहुत घर उजाड़े थे। हमारे भाई गुरलाल बराड़ बिद्दू खेड़ा के मर्डर ने इसने भारत बैठकर सब कुछ किया। संदीप नंगल आंगवियों के मर्डर में भी इसने करवाया था और अब इसके पापों की सजा उसे मिल गई है। बस एक बात कहानी जो दुखिया टिकिया अभी भी रह गई है, जहां मर्जी भाग लो दुनिया में किसी भी देश में चले जाओ मत सोचो मन सब दुश्मनी लेकर बचोगे। टाइम जरूर कम ज्यादा लग सकता है लेकिन सजा सबको मिलेगी। सुखविंदर सिंह और सुखा की हत्या ऐसे वक्त पर हुई जब निज़र की हत्या को लेकर कनाडा और भारत के बीच तनाव चल रहा है। दरअसल खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज़र की जून में कनाडा के गुरुद्वारे में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। जस्टिन ट्रूडो ने हाल ही में कनाडा की संसद से निज़र की हत्या में संभावित तौर पर भारतीय एजेंट्स में शामिल होने का आरोप लगाया था। स्पेशल डेस्क के न्यूज।